अलैकुम। आज हम एक ट्रैवल बैग बनाएंगे। उसके लिए ये देखो, इस तरह से मैंने दो पीसेस रेडी की हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच। तो इस तरह से मैंने ये रबर शीट के साथ इसको अटैच कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पे एक ज़िप लगाएंगे। हम एक पॉकेट यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ इसके लिए यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इसके बराबर हम एक लाइनिंग वाले पीस भी कटिंग करेंगे और इसके बराबर हमें एक ज़िप चाहिए, तो उस ज़िप भी हम इसके बराबर कटिंग करेंगे। ये देखो, इसके लिए मैंने लाइनिंग वाली पीस ली हूँ और इसके लिए ये, और इसके बराबर इस तरह से ज़िप में ली हूँ। सबसे पहले ये देखें, इस पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, फिर ये लाइनिंग वाला पीस वो इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद हम ये दूसरा सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे। इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इसकी भी टॉप स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से ही हमने स्टिचिंग कर ली है। ये देखो, इस पे भी टॉप स्टिच है, इस पे भी टॉप स्टिच है। अब उसके बाद ये रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद हम एक एक्स्ट्रा इस तरह से पीस लेंगे और इस तरह से रखेंगे इसे बराबर से और पूरे चौकोन में इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले रनर इंसर्ट करने के बाद ही ये करेंगे। इस तरह से ही हमने स्टिचिंग कर ली है, ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये देखो, दो पीस मैंने ली हूँ। ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ इस तरह से। ये देखें, 25 इंच है, तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 2 3 इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। दोनों स्टेप रेडी करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्टेप हमने स्टिचिंग करके रेडी कर लिए हैं। अब ये जो पॉकेट बनाए हैं, इस पर हम शेप देंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ज़िप वाले हिस्से पे ये देखो, इस तरह से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये नीचे का ये देखो 5.5 इंच है और इसे इस तरह से मिला देंगे। इसकी कटिंग करेंगे और इसका मेजरमेंट लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ रहा है। ये देखो, ये मेरा 18 आ रहा है, तो 18 का ये पूरा हो गया 36। तो इस तरह से ये देखें, ये मैंने 36 का ये एक पीस रेडी की हूँ। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 20 इंच और इस तरह से ये 36 इंच का है। तो अब हम जो जो स्टेप बनाए हैं, ये देखो, ये जो स्टेप है हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। तो उसे अटैच करने के लिए सबसे पहले ये देखें, इस तरह से सबसे पहले हम इसका इधर 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने स्ट्रैप रेडी किए हैं इस तरह से, ये देखें, इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले स्टिच करो, अगर आप माशाल्लाह से अच्छे से आता है आपको तो आप इस तरह से इसे रखें, इस तरह से फोल्ड करें। यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरह से आएगा, ऊपर टॉप स्टिच करें। जिस तरह से ये किए हैं सेम उसी प्रोसेस से दूसरे को भी इस तरह से निशान लगा दें और इसे भी इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से इस फोल्ड करें और यहाँ पे स्टिचिंग करें, उसके बाद ऊपर टॉप स्टिच। तो ये दोनों स्टेप अटैच करके रेडी करते हैं। देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पे अटैच कर लिए दोनों साइड के स्टेप। ये देखें, अब इसके बराबर इस तरह से ये मैंने लाइनिंग वाला पीस ली हूँ और इसके बराबर हमने ज़िप लिए हैं। इसको पहले इस तरह से खोल लेंगे
ये देखें, और यहाँ पे ये इसे सीधे पे इस तरह से सीधा करेंगे यहाँ पे, और ये जो लाइनिंग वाली पीस है ये देखो इस तरह से यहाँ पे रखकर इसकी स्टिच करेंगे। सेम उसी तरह से ये दूसरे वाले को इस तरह से रखेंगे, ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा, और इसे इस तरह से यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और दूसरे साइड भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से इसे सीधा करेंगे, ये देखें सीधा करने के बाद इसे यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और एक स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे। इसे इस तरह से करने के बाद उसके बाद इसे पकड़ के पूरे दोनों साइड स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, ये देखो इस तरह से। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे दो रनर इंसर्ट करेंगे, एक इस साइड से इंसर्ट करेंगे और एक दूसरे साइड से। ये देखो ये हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप लगाएंगे एक शोल्डर वाला, तो इस तरह ये ऑप्शन है अगर आपको लगानी है तो लगाएं। तो इसकी ये देखो स्टेप के लिए ये मैंने ली हूँ 5 इंच, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 38 इंच। तो इसे सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 2 3, इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। जब ये स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये बिल्कुल जिप पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये देखो ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिए हैं और यहाँ पे भी हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे, ये देखिए ये हमारा उल्टा हो गया है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो जिप वाला पोर्शन है ये देखो, ये अच्छे से देखें इस तरह से, ये जिप वाले हिस्से पे ये देखो इस तरह से सीधे की तरफ सीधा रखकर यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, और बाकी इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, और यहाँ से स्टिच करने के बाद इसे स्टिच करेंगे, और ये पूरा इतना बचेगा इसे यहाँ से लेकर यहाँ स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम दूसरा भी हम इसे इस तरह से रखकर इसे स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और दूसरा भी हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अगर आप ये दूसरा फैब्रिक यूज़ करें जिसका रेशा निकले तो यहाँ पे पाइपिंग कर सकते हैं। अब देखो इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे, देखो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनके रेडी हुआ है। ये देखें इस तरह से आप इसे ले सकते हैं और इस तरह से भी हम इसे लेके जा सकते हैं। तो आप इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखो इस पॉकेट ये हमने यहाँ पे एक बनाए हैं और एक पॉकेट हमने यहाँ पे बनाए हैं इस तरह से, ये देखें, और एक पॉकेट अंदर है इस तरह से। ये देखो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ईजी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।